कोरोना जैसे महामारी बीमारी से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जिलाधिकारी जनता लगा रही है आप अगर जनता के पास कार्यवाही जनता लगा रही है नगर बिसौली के डीलर ने उन्होंने शिकायत बिसौली तहसीलदार जिस पर तहसीलदार सरकार कोई धमकाने लगा और ये देने की धमकी दी चार दिन आप सुखाएंगे तहसीलदार की बिसौली और अधिक रुपए लेने का जनता ने जमकर हंगामा काटा और नारेबाजी दी कोटेदार पर कार्यवाही को लेकर तहसीलदार अधिकारी के तो वही जनता तरह तरह के निलंबित करो अभी निलंबित करो इस दुकान को निलंबित करो यहाँ निलंबित होगी मीडिया द्वारा सोशल मीडिया द्वारा राशन वितरण किया जा रहा था जहाँ राशन घटकों ने जमकर हंगामा किया तथा वार्ड सभासद ने घटतौली की शिकायत अधिकारियों से की इसकी जानकारी मीडिया को ही तो मीडिया भी मौके पर पहुंची को लेकर मीडिया कर्मियों ने तहसीलदार का सवाल पूछा इसको देखकर दबंग तहसीलदार और मीडिया कर्मियों का भ्रष्टा करते हुए जेल भेजने की धमकी दी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की देशवासियों से अपील की गई है प्रधानमंत्री के आदेश की बिसौली में दबंग तहसीलदार जमकर धज्जियां उड़ाई गई जब सरकार के कर्मचारी और अधिकारी खुद प्रधानमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ाएंगे तो कैसे कोरोना वायरस का संक्रमण खुद रोका जा सकता है एक तरफ कोरोना वायरस जैसे संक्रमण बीमारी को लेकर पूरा प्रदेश ट्राई ट्राई कर रहा है तो वहीं पत्रकार बिना किसी सुरक्षा बिना किसी सरकारी सुविधा के अपनी जान हथेली पर रखकर जनता की आवाज उच्चाधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं इसे देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने पत्रकारों से गलत बर्ताव करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए ऐसे गलत बर्ताव के लिए बिसौली के तहसीलदार के साथ योगी सरकार क्या संज्ञान